लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती व राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के तत्वाधान में फिल्म संगीत की शास्त्रीयता विषय पर आधारित एक व्याख्यान माला का आयोजन ललित कला विभाग के सभाकक्ष में किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि फिल्म संगीत के विद्वान के एल पांडे ने के अलावा विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह सहित अन्य शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस अवसर पर फिल्म संगीत के विद्वान के एल पांडे ने उपस्थित छात्रों को फिल्म और संगीत से जुड़ी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी और फिल्म और संगीत से जुड़ी अपने अनुभव को साझा किया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ललित कला एवं संगीत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने कहा, सबको अच्छी लगती है फिल्म, से बुरी लगती है सबको देखता है, तो उसको भी लगा। लेकिन एक बात बहुत अच्छी हुई, अरे मैं परिचय कराना भूल गया, हमारे डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी बैठे हुए हैं, हमारे अभिन्न मित्र जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, इन्होंने बहुत अद्भुत ग्रंथ लिखा है गोरखपुर और उसके गोरखपुर में जो योगदान भिन्न भिन्न लोगों के हुए हैं उनके ऊपर लिखा हुआ बहुत करते थे और फिल्में भी। एक चीज बड़ी अच्छी हुई जो आज तक नहीं हो पाती, जब मैं पढ़ता था स्कूल डेज कॉलेज डेज में शायद एक फिल्म देखने को मिल जाती तो वो भी घरवालों के साथ अंकुश और बहुत आवश्यक होता है, उसे डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते, आपकी एकाग्रता रहती। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिस हद की पागलपन जो था संगीत के प्रति और तो अभी भी है फिल्मों को देखने के प्रति, वो अगर मैंने तब देख ली होती तो पता नहीं मैं कहाँ होता, पथ भ्रमित हो गया होता। वो चीज नहीं हुई तो मैं अपना काम करता रहा, संगीत सुनता रहा, रेडियो सुनता रहा और विविध भारतीय रेडियो और उसके बाद मैं जब इतनी सब मेरे पास अभी करीब 2500 फिल्में होंगी सेम फॉर्म में डीवीडीज एंड ऑल दैट, तो करीब 4500 फिल्में मेरे पास अंग्रेजी की हैं जो तब नहीं देख पाए, अब बैकलॉग पूरा करें खुद देख रहे हैं पुरानी क्लासिक्स, तो क्यों नहीं देखना चाहिए, यू शुड डू व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू, मत में दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक चीज मैं शेयर करता हूँ आप लोगों से, थोड़ा भिन्न होना चाहिए। एक बहुत छोटा सा कोटेशन है वो मैं शेयर करता हूँ, पीपल लाफ एट मी दैट आई एम डिफरेंट, डिफरेंट आदमी के ऊपर हंसते हैं लोग ना, पीपल लाफ एट मी दैट आई एम डिफरेंट बट आई लाफ एट देम बिकॉज दे आर ऑल द सेम। मैं के एल पांडे जी और ये विश्व प्रसिद्ध संगीत समीक्षक हैं, ये पहले तो ये रेलवे दावा अधिकरण में और जैसे कि इन्होंने अपना परिचय दिया ये रेलवे बोर्ड में मेंबर के रूप में रहे, पर ये रेलवे से जुड़े हुए थे फिर भी इनका रुझान संगीत की तरफ था और बचपन से ही इनके संगीत की तरफ था और लेते लेते ये इस यहाँ तक पहुँचे और इन्होंने बेसिकली काम किया है फिल्म संगीत पर, जो देखे कि युवा भटक रहे हैं वेस्टर्न और इधर उधर दुनिया भर के संगीत में, हमारी क्लासिकल शास्त्रीय संगीत को छोड़ के और ये वेस्टर्न की ओर जा रहे हैं, तो इन्होंने इस तरह का काम किया कि फिल्म संगीत 1931 से ले कर आज तक के जितने फिल्म फिल्मी गाने हैं सबका को एकत्र किया और सबको क्लासिकल संगीत से जोड़ा। उन्होंने खोजा कि हर गाने में कहीं ना कहीं शास्त्रीयता है और उसको प्रूव किया और उस पर इन्होंने एक पूरी इंसाइक्लोपीडिया ही रच डाली, 7 वॉल्यूम में इन्होंने इंसाइक्लोपीडिया बनाया है और हर राग को आज का भी जो गाना है आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा या तेरी क्या भैंस को मारो डंडा, इस तरह के जो गाने उसमें भी इन्होंने ढूंढा कि ये कहीं ना कहीं शास्त्रीयता से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह इनका काम है बहुत ही सराहनीय और ये देश विदेश में इनके लेक्चर स्वीकार किए गए माने गए, इनका कार्य सराहनीय रहा काफ़ी और ये आज हमारे विभाग में इन बच्चों को भी अपने ज्ञान से दिशा निर्देश
करेंगे, शायद वो बच्चे जो अच्छा गा नहीं पाते, अच्छा बजा नहीं पाते, वो शायद इसी तरह का काम कर ले कुछ। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण, और मैं इनसे जुड़ी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के दौरान, यूजीसी से मिला मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट जो हमारा टॉपिक इसी विषय से फिल्म संगीत के वादक कलाकारों पर ही था, इसमें इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया, काफ़ी हेल्प किया उसको पूरा करने में।